अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सरदार उसामा, सेल मैनेजर अबूजा स्टेट DHA कराची। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सेक्टर्स वाइज DHA सिटी के हवाले से मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं, तो आज की वीडियो जो है सेक्टर 15 के हवाले से है। सेक्टर 15 DHA सिटी कराची, उसके हवाले से अपडेट करूंगा। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली मज़ीद आपको DHA सिटी के हवाले से नई वीडियो बर वक्त मिलती रहे। DHA सिटी कराची सेक्टर 15, सेक्टर 15 का मैप आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। 15A, 15B, 15C और 15D चार सब सेक्टर्स हैं इसके, और 2022 में इंशाल्लाह ये जो है नेक्स्ट ईयर हैंडओवर होगा। और 500 यार्ड की मोस्टली कटिंग है, और गिने चुने प्लॉट इसमें 1000 और 2000 यार्ड के हैं। 15A, B, C और D जो है इसमें ज़्यादातर प्लॉट 500 यार्ड के हैं। 15A में 1000 और 2000 यार्ड के प्लॉट्स हैं। रेट्स की बात की जाए तो तकरीबन 81-82 लाख का 500 यार्ड का रेट्स है। इधर 1000-2000 यार्ड के प्लॉट की बात की जाए तो 1000 यार्ड का प्लॉट तकरीबन 1.60 से लेकर 1.70 के करीब मिलता है, 1.60 करोड़ रुपये से लेकर 70 लाख रुपये तक। और 2000 यार्ड का प्लॉट तकरीबन 3.5 करोड़ के करीब करीब मिलता है इस सेक्टर में। इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रेट्स इस वक्त 50% डाउन है कोरोना की वजह से, टैक्सेस के मामलों की वजह से। मगर आने वाला वक्त, आने वाला नेक्स्ट ईयर, ये मेरे अल्फाज आप नोट कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर जो है प्रॉपर्टी के लिए बेस्ट ईयर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी जा रही होती है, एंड टाइम चल रहा होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देती है। तो इंशाल्लाह टैक्स में भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। और मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त DHA सिटी कराची बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है, क्योंकि कराची से बाहर आप जितने प्रोजेक्ट देखें DHA सिटी कराची के और DHA के, DHA बावलपुर, मुल्तान, पिशावर, बहुत ज़्यादा उनमें रेट बढ़ चुके हैं पिछले 6-7 महीनों में। ऑलमोस्ट 3-4 गुना रेट बढ़ चुके हैं, और जेन्युइन तरीके से बढ़े हैं। वो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सट्टा चल गया रेट बढ़ गए, नहीं। कराची के अलावा रेट जहाँ भी बढ़ते हैं वो जेन्युइन तरीके से बढ़ते हैं। वहाँ की मार्केट, कराची की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और प्रोजेक्ट भी काफ़ी बड़े हैं। बहावलपुर काफ़ी बड़ी लैंड है उनके पास, मुल्तान में काफ़ी बड़ी लैंड है, पिशावर की मैं मानता हूँ लैंड का, मैं इसलिए रेट बढ़ रहा है, तो ये वजह है। तो इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है कराची के लोगों के लिए, और ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। रिकमेंड बिल्कुल करूँगा ये सेक्टर आपको, 2000 यार्ड के लिए ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर वो लेके आप 6 महीने भी होल्ड करते हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले 6 महीनों में उसमें काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन होगी। और 500 यार्ड के लिए रिकमेंड करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करूँगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपको तकरीबन साल एक होल्ड करना पड़ेगा उसको। मज़ीद आपको इसके हवाले से कोई भी अपडेट चाहिए हो, कोई भी सेल परचेज करनी हो, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।